राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा भट्ट बड़ोलिया की कहानियां और नई नई जानकारी वास्ते मारवाड़ी सहेली के साथ जुड़िया रहो। भगवान शिव जी माता पार्वती जी ने लाडला जन्म री याद दिलाने वास्ते तीजरी कहानी सुनाई। बा कहानी अब मैं आपने सुनाऊ। भोलेनाथ माताओं कहवे कि हे सती, थे मने पति के रूप में पावन वास्ते 107 बार जन्म लियो, फिर भी नहीं पा सकी। 108वां जन्म में थे पर्वतराज हिमालय रे घरे जन्म लियो। मने वर रे रूप में पावन रे लिए गौर तपस्या करी, अन्न जल छोड़ और पत्ता खाया। सर्दी गर्मी बरसात में हजारों कष्ट सहन कर और खुदरे वचना पर अडिग रही। थारा कष्ट देख और थारा पिताजी बहुत दुखी हुआ। बी टेम नारद मुनि थारे घरा पधारिया और कहवे कि मने विष्णु भगवान भेजियो है। विष्णु भगवान कियो है कि बे आपरी कन्याओं प्रसन्न होर और ब्याह करनो चावे। ओ सुन और पार्वता जी रे पिताजी बहुत खुश हुआ और ब्याह करवने तैयार हो जावे। नारद मुनि जार विष्णु भगवान ने शुभ संदेश सुना दियो, पर आ बात जब पार्वती जी ने पतो चाली तो बे बहुत दुखी हुआ। पार्वती जी आ बात आपरी सहेली ने सुनाई। सहेली पार्वती जी ने घना जंगल में जार छुपन रहनी सलाह दी। जब पार्वती जी रे गायब होने की बात हिमालय राज ने पतो चाली तो बे पार्वती जी ने हिरण ने धरती पाताल एक कर दियो। आगे शिव जी कहे कि हे पार्वती, फेरी थे नहीं मिलिया, क्योंकि थे जंगल री एक गुफा में रेत रो शिवलिंग बनार मारी पूजा पाठ में लीन हा। ई कठोर पूजाओं में खुश हूँ, थारी मनोकामना पूरी करी। जब हिमालय राज गुफा में पूगा तो थे बतायो कि मैं शिव जी ने पति रे रूप में मानू हूँ। शिव जी भी मारी तपस्याओं खुश हुए और मारो वरण कर लियो। मैं आप रे साथे एक शर्त पर चालू ला कि आप मारो ब्याह भोलेनाथ कराऊ ने राजी हुओ तो। जना थारा पिताजी मानगा और विधि विधानू आपनो ब्याह हुयो, थारो कठोर तप और व्रतू ओ ब्याह हो सक्यो। बी दिन हुई हरियाली तीज केवे इने, इनो व्रत करनाऊ पार्वती जेड़ो सुहाग मिले, कमारी कन्या ने बढ़िया वर मिले और सुहागणिया ने सुहाग और सौभाग्य मिले। कि हे शिव जी, कहता सुनता हुकारा बरता, सबने अमर सुहाग रो वरदान देजो। धन्यवाद।